ये है जनमत की पुकार। जनमत की पुकार बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा और तीसरा चरण जब से शुरू होने वाला है, नेताओं का जनताओं के बीच गणेश परिक्रमा चालू है। इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं रीगा से पूर्व विधायक व वर्तमान एनडीए प्रत्याशी मोतीलाल प्रसाद जी। आइए जानते हैं जो चुनाव में इनका किस रूप से मुख्य मुद्दा है और जनताओं के बीच क्या क्या जाकर किन किन वादों के साथ वोट मांग रहे हैं। मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार हूँ। पार्टी से मैं सभी कार्यकर्ता विधायक भी रहा हूँ। इस बार हम अपने माता मालिक के पास जा रहे हैं तो गजब का उत्साह और लोग बहुत खुश हैं और हम लोगों को काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है। जो उत्साह उमंग और रिस्पॉन्स है उसको देख कर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से रिकॉर्डेड मतों के अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। जनता के जो मन मिजाज है उसको अभी वर्तमान में रीगा से सिटिंग एमएलए अमित कुमार रैना जी है, क्या लगता है क्या कमियां रह गई जो उनको छोड़कर लोग आपको चुनेंगे? तो जाने मात्र से पता चल रहा है लोगों में बीजेपी के प्रति, एनडीए के प्रति, सरकार के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति जुड़ाव है, लगाव है, वो तो बिल्कुल है ही। उनके वाली जो पाँच साल के कार्यकाल में निष्क्रियता बढ़ती गई है और उस निष्क्रियता के कारण लोग की उम्मीद उनसे टूट चुकी है। इसलिए लोगों इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मोतीलाल प्रसाद जिंदाबाद, 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 बोल छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर जनता द्वारा आपको चुना गया तो रीगा विधानसभा का क्या मुख्य मुद्दा होगा जिसे विधानसभा में जाने के बाद सबसे पहले आप पूरा करना चाहेंगे? जो कार्य यहाँ विकास के जो गति पकड़ी थी बीच में मध्यम हो गया, उस गति को मैं तेज करूँगा और छोटे छोटे टोलों तक मैं सड़कों का जाल बिछवाऊँगा। जो सड़कें टूट गई है उसका मरम्मत करवाऊँगा। स्कूलों में पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण हो इसका पूरा प्रयास करूँगा। जो अस्पताल है उन अस्पतालों में कर्मी भी हो, डॉक्टर भी हो और दवा भी हो, इसका सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करूँगा। ये हमारी प्राथमिकता होगी। साथ ही केंद्र सरकार की और भारत सरकार की जो योजना जहाँ के लिए और जिसके लिए है वहाँ तक एक एक व्यक्ति तक ये पहुँच जाए इसको मैं सुनिश्चित कराऊँगा। ये सरकार की योजना पूरा तरह लोगों को फायदा मिले। ऐसे अभी भी कई लोग परिवार वंचित हैं जिन्हें आवास नहीं मिल पाया है। ऐसे बहुत परिवार हैं जिनको राशन अभी तक नहीं मिल पा रहा है। बहुत लोग हैं जिनका पेंशन लंबित है। तो ऐसे सबको गति दूंगा और सभी गरीबों तक, सभी लोगों तक ये लाभ होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मोतीलाल जी जनताओं के बीच जा रहे हैं और इनका साफ कहना है कि वर्तमान विधायक की निष्क्रियता, वर्तमान विधायक की निष्क्रियता क्षेत्र की जनता को पसंद नहीं आ रही है और लोग हमारे जनसंपर्क में अपना जन समर्थन दिखा रहे हैं, जन सैलाब दिखा रहे हैं। तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए जनमत की पुकार। कर्मी भी हो, डॉक्टर भी हो और दवा भी हो, इसका सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करूंगा। ये हमारी प्राथमिकता होगी। साथ ही केंद्र सरकार की और भारत सरकार की जो योजना जहाँ के लिए है और जिसके लिए है वहाँ तक एक एक व्यक्ति तक ये पहुँच जाए इसको मैं सुनिश्चित कराऊँगा। ये सरकार की योजना पूरा तरह लोगों को फायदा मिले। ऐसे अभी भी कई लोग परिवार वंचित हैं जिन्हें आवास नहीं मिल पाया है। ऐसे बहुत परिवार हैं जिनको राशन अभी तक नहीं मिल पा रहा है। बहुत लोग हैं जिनका पेंशन लंबित है। तो ऐसे सबों को गति दूंगा
और सभी गरीबों तक सभी लोगों तक जैसा कि आप देख रहे हैं मोतीलाल जी जनताओं के बीच जा रहे हैं और इनका साफ कहना है कि वर्तमान विधायक की निष्क्रियता क्षेत्र की जनता को पसंद नहीं आ रही है और लोग हमारे जनसंपर्क में अपना जन समर्थन दिखा रहे हैं, जन सैलाब दिखा रहे हैं। तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए जनमत की। ये है जनमत की पुकार।